स्टूडेंट नेक्स्ट टुडे सी अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल राइट। तो उस पर हमें अब थ्रस्ट और बोआन फोर्स के बारे में समझना होगा राइट। तो ये क्लास नाइन्थ पे अब थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको आइडिया होगा राइट। तो चलो पहले समझते हैं कि अब थ्रस्ट और बोआन फोर्स होता क्या है राइट। स्टूडेंट जब कोई भी बॉडी को हम पार्शियली और फुली एक फ्लूइड के अंदर डुबाते हैं राइट, सो फ्लूइड जो है ना वो एक फोर्स एग्जर्ट करता है बॉडी के ऊपर। And, कोई भी मतलब एट एनी स्मॉल पर्सन ऑफ द सरफेस द बॉडी और वो फोर्स जो अप्लाई होता है वो परपेंडिकुलरली अप्लाई होता है। मतलब अगर हम यहाँ पर बताएं कि अब थ्रस्ट क्या होता है, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है। हमने एक बीकर पे कुछ पानी लिए राइट, वी जस्ट टुक सम वाटर इन ए बीकर और हमने यहाँ पर एक ऐसे बना दिए। तो एकदम से हमने पानी को यहाँ तक भर भर के रखे थे राइट। We have already, right? पानी हमने यहाँ तक भर के रखे थे पूरा, आप देख सकते हो। अप टू दिस द वाटर इज फिल्ड अप टू दिस लेवल, मतलब अगर थोड़ा सा कुछ भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर आ जाए तो वहां से क्या होगा, पानी बाहर आने लगेगा राइट। और हमने क्या किया, एक बॉडी को लेके इसके अंदर पे रख दिया राइट, विच इज टू के बॉडी इन साइड दिस, ये बॉडी है। तो हमने क्या किया कि उस बॉडी को हमने एयर पे वेट किए थे, जस्ट एक स्प्रिंग बैलेंस के जरिए हमने उसको वेट इन एयर किए थे। अभी जब वो पानी के अंदर चला गया तो हमने वहां पर भी उसको एक स्प्रिंग बैलेंस के जरिए वेट किए, तो दैट इज वेट इन वाटर। मान के चलो हमने कुछ लिक्विड लिया, वाटर लिए, वेट इन वाटर किए, तो हमने ये देखे कि वेट घट रहा है जो पानी के अंदर जा रहा है, तो वो क्यों, अब थ्रस्ट के कारण घट रहा है। और जब ये पानी के अंदर ऑब्जेक्ट चला गया तो कुछ तो वाटर डिस्प्लेस करेगा ना, गेटिंग माई पॉइंट। जब ये पानी के अंदर जाएगा तो कुछ वाटर यहाँ से डिस्प्लेस होगा कि नहीं, जितना इसकी वॉल्यूम पानी के अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम का वाटर बाहर की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, गेटिंग आउट है कि नहीं। तो हमने क्या किया, मान के चलो हमने यहाँ पर देखे कि ये इसका मतलब वेट इन एयर है, वेट इन वाटर है, तो वेट इन एयर वॉज ग्रेटर, सो वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर को हमने सब्सट्रैक्ट कर दिए, कुछ वैल्यू आया। जो भी वैल्यू आया यहाँ से जितना भी वाटर डिस्प्लेस हुआ था, यहाँ पर जितना भी वेटर डिस्प्लेस हुआ, सो दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, ये जो दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड राइट। समझ पे आ रहा है? तो अपथ्रस्ट जितना उतना ही अपथ्रस्ट होता है जितना वेट डिक्रीज हो जाता है। मान के चलो मैंने यहाँ पर देखा कि वेट इन एयर 50 न्यूटन हो रहा है, जब वहां पर ले लिया तो देखा कि वेट इन एयर 40 न्यूटन हो रहा है, तो डेफिनेटली अब थ्रस्ट 10 न्यूटन है। और आप अगर आप इस वाटर की वाट वेट निकाल दोगे तो भी वो 10 न्यूटन निकलेगा राइट। ऑल अंडरस्टूड और नॉट दिस पार्ट? यस ठीक है। तो ये होता है अब थ्रस्ट। तो अगर हम अब थ्रस्ट की वैल्यू निकाले तो दैट इज अब थ्रस्ट की अगर वैल्यू आप निकालो या फिर आप बोआन फोर्स की वैल्यू निकालो राइट, यू टी एच लिखा रहता है कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे एफ बी लिखा रहता है राइट, कहीं के पे सिर्फ यू, तो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, अगर हम देखेंगे तो वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस भी ले सकते हैं राइट। वेट ऑफ वाटर और कोई भी लिक्विड आप ले रहे हो, वाटर डिस्प्लेस राइट, दैट इज इक्वल टू ऑफ थ्रस्ट। और वेट कैसे निकालेंगे ना, मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और मास ऑफ द लिक्विड कैसे निकालोगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम, जितना अगर बॉडी का पूरा वॉल्यूम पानी के अंदर है तो पूरा वॉल्यूम लेंगे, नहीं तो अगर कुछ वॉल्यूम पानी के बाहर अंदर है तो सम पार्ट विल बी इनसाइड एंड सम पार्ट विल बी आउटसाइड, सो दैट इज जी। तो ये जो वी है दैट इज वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड वाटर, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू डिसाइड हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज गोइंग टू बी डिस्प्लेस्ड व्हेन द बॉडी इज गोइंग इनसाइड वाटर, गेटिंग और नॉट ऑल, getting or not. So this V is volume of water. This V is volume of water. Volume of water displaced. And that also depends कि volume of the body inside water. कितना पानी displaced होगा तो body का जितना volume पानी के अंदर जाएगा right? That is volume of body inside water. तो कैसे हम निकालेंगे अब thrust को, वो वाला पार्ट थोड़ा सबको समझ पे आ गया, ऑल अंडरस्टूड, अंडरस्टूड और नॉट? यस ठीक है। तो चलो यहाँ पर एक चीज देखते हैं, चलो लॉ ऑफ फ्लोटेशन के तरफ थोड़ा चलते हैं कि जब बॉडी को हमने पानी के अंदर ले लिए तो अगर बॉडी लेट लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ वॉल्यूम भी एंड डेंसिटी रो सब्सटेंस लिए हमने,
जो लिक्विड पे फ्लोट कर रहा है, लिक्विड का डेंसिटी दिया हुआ है, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि अप थ्रस्ट और बाउंड फोर्स दोनों सेम होता है। तो थोड़ा इसको समझने के बाद हम थोड़ा लॉ ऑफ फ्लोटेशन के तरफ चलते हैं। लेट्स गिव हेडिंग लॉ ऑफ फ्लोटेशन, राइट, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, है ना, दैट इज लॉ ऑफ फ्लोटेशन, अंडरस्टूड। तो स्टूडेंट लॉ ऑफ फ्लोटेशन पे आपको क्या देखना है कि मान के चलो हमने यहाँ पर एक बीकर ले लिए, राइट, और उस बीकर पे पूरा पानी भरा हुआ है ना, लेट इट इज टोटली फिल्ड अप टू दिस लेवल, सॉरी, लेट इट इज यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ है, राइट, लेट द वाटर इज डिस्प्ले, पूरा यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, और आपने क्या किए कि एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से हमने पानी पे डुबाया, राइट, लेट वी जस्ट पुट ए बॉडी, तो ये जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है पानी के अंदर, दैट इज वॉल्यूम इनसाइड वाटर, दैट इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट इज द थ्रस्ट इज गोइंग टू बी, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एल ले लेते हैं, और ये सब्सटेंस है उसका डेंसिटी रो एस ले लेते हैं, राइट, और ये ऑब्जेक्ट का पूरा वॉल्यूम भी ले लेते हैं, मतलब वी इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, पूरा वॉल्यूम, राइट, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उसको सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू वी, राइट, और वी आई इज वॉल्यूम इनसाइड, तो वी आउटसाइड क्या होगा, वी माइनस वी आई, करेक्ट। तो जब मैंने इस बॉडी को लेके पानी पे इमर्ज किया, तो इक्विलिब्रियम की केस पे आप देख सकते हो नीचे की तरफ mg एक्ट कर रहा है और ऊपर की तरफ बॉन्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, राइट, सो आपस में दोनों बैलेंस हो गए, तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट, है ना, तो दैट इज वेट इज इक्वल टू अप थ्रस्ट, वेट इज इक्वल टू अप थ्रस्ट, ठीक है, नहीं, सो वेट में क्या आता है mg, किसका वेट, बॉडी का वेट, तो दैट इज मास ऑफ द बॉडी इंटू जी, अप थ्रस्ट में क्या होता है, दैट इज मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, राइट, मास ऑफ द लिक्विड इंटू जी, मतलब ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड है ना, है कि नहीं, और यहां पर मास कैसे निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इनटू टोटल वॉल्यूम इनटू जी, राइट, दैट इज इक्वल टू टोटल डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड इनटू जी, समझ पे आ रहा है सबको, वेट के बदले में हमने रो एस वी जी क्यों लिखे और अप थ्रस्ट के बदले में रो एल वी आई जी क्यों लिखे, ऑल अंडरस्टूड दिस पार्ट, समझे कि नहीं, yes, वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, बॉन्ड फोर्स ऊपर की तरफ, राइट, तो जी को अगर कैंसिल कर देंगे तो आप यहां से देख सकते हो वॉल्यूम इनसाइड बाय वी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ, सो दिस इज लॉ ऑफ फ्लोटेशन, मतलब डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर आपको पता चल जाएगा तो बॉडी की कितना पार्ट पानी के अंदर कितना पार्ट पानी के बाहर रहेगा वो भी आप पता लगा सकते हो, राइट, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम इमर्ज्ड इन लिक्विड, यहीं से हमें पता लगा सकते हैं, राइट, गेटिंग अर नॉट, और परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ द इमर्ज्ड इन लिक्विड, राइट, हम ऐसे भी कर सकते हैं, राइट, परसेंटेज, वी कैन ऑल्सो फाइंड परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इमर्ज्ड इन लिक्विड, right, that is equal to volume inside by v into 100, so that is equal to density of substance by density of liquid into 100, correct, understood or not, to so yahan par density of substance aur density of liquid ko agar compare kare to teen possibilities aata hai, right, three possibilities, to agar teen case ko humne sub case ki tarah maan liye to case 1 mein kisi bhi tarah students अगर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो आप रेशियो पे देखो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कम है मतलब कोई भी एक छोटा चीज को आप एक बड़ा चीज में डिवाइड कर रहे हो रो एस बाय रो एल लिख रहे हो राइट तो दैट इज दैट विल बी इन फ्रैक्शन और नॉट यस और नो तो इस पे क्या है कि अगर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कम हो जाता है तो ओनली फ्रैक्शन ऑफ द बॉडी विल बी इमर्ज इन द लिक्विड और वो फ्रैक्शन कैसे पता चलेगा राइट साइड रो एस बाय रो एल से हमें पता चल जाएगा यस और नो गेटिंग ना स्टूडेंट्स अगर ये कम हो जाता है तो डेफिनेटली बॉडी जो है तो वहीं से पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है राइट सो इफ रो एस इज ग्रेटर देन इज लेस देन रो एल लाइट राइट ओनली फ्रैक्शन
only fraction of body will be immersed in the liquid. Will be immersed. Only fraction of the body will be immersed in the liquid, right? And this fraction will be given by the above equation. You guess one. Or guess two mein kya hai? अगर रो एस इज इक्वल टू रो एल हो गया तो वॉल्यूम वी आई इज इक्वल टू वी, सो द होल ऑफ द रिजिड बॉडी विल बी इमर्ज इन द लिक्विड, है कि नहीं? वॉल्यूम इनसाइड इज इक्वल टू वी, मतलब पूरा पानी के अंदर है. सो राइट, द होल बॉडी, द होल ऑफ द रिजिड बॉडी, द होल ऑफ द रिजिड बॉडी विल बी इमर्ज इन द लिक्विड, विल बी will be immersed in the liquid, right? Getting the students? As the body remains floating in the liquid wherever it is left, right? Hence the body remains floating. Hence the body remains floating in the liquid wherever left, जिस पोजिशन पे आपने छोड़े थे, right? Wherever left. और अगर केस थ्री पे आपको ये बता दिया गया कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो उसी टाइम पे क्या हो जाएगा? अगर बड़ा है तो वी आई ज्यादा हो जाएगा, तो बॉडी क्या होगा? पूरी तरह से डूब जाएगा, राइट? द बॉडी विल सिंक. समझ पे आया? तीन केसेस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ बॉडी निकाल सकते हो, राइट? और अभी चलो थोड़ा जो क्वेश्चन, जिस तरह की क्वेश्चंस आता है, थोड़ा उसके ऊपर जाते हैं कि मतलब किस तरह की क्वेश्चंस इसके जरिए आ सकता है. चलो थोड़ा उसको देख लेते हैं कि उसको हम रिलेटिव डेंसिटी के साथ कैसे रिलेट करेंगे. अपेरेंट वेट ऑफ ए बॉडी इनसाइड ए लिक्विड कैसे निकालते, राइट? लेट्स गिव हियरिंग. Apparent, right? Apparent weight of a body. Apparent weight of a body inside a liquid. Apparent weight of a body inside a liquid, right? Apparent weight of a body inside a liquid. समझे? तो चलो. So W apparent जब निकालेंगे हम, तो that is equal to how much? W actual मतलब जो air पे हमने weight निकाले थे, right? माइनस ऑफ थ्रस्ट. गेटिंग और नॉट? स्टूडेंट्स गेटिंग ना? और डब्ल्यू एक्चुअल क्या है? टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इनटू जी. माइनस ऑफ थ्रस्ट क्या है? अगर पूरा बॉडी पानी के अंदर चला गया है तो वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम इनटू रो एल इनटू जी. करेक्ट है कि नहीं स्टूडेंट्स? यस. गेटिंग ना? तो यहीं से अगर आप वी इज टोटल वॉल्यूम, राइट? तो अगर आप वी कमन ले आते हो तो दैट इज हाउ मच. वी और जी कमन ला सकते हैं. दैट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड. अंडरस्टूड ना स्टूडेंट्स? अंडरस्टूड और नॉट? अच्छा, तो अगर देखो अभी ये एक फॉर्मूला हमें आ गया कि डब्ल्यू अपरेंट का यही फॉर्मूला है, राइट? करेक्ट. सो इफ द लिक्विड इन विच द बॉडी इज इमर्ज्ड इज वाटर, मान के चलो हमने वाटर ले ली, राइट? तो उसी केसेस पे कैसे हम उसको रिलेटिव डेंसिटी के साथ जोड़ेंगे? तो लेट्स सी हाउ टू रिलेट दैट वन विद रिलेटिव डेंसिटी. तो नॉर्मली अगर देखेंगे स्टूडेंट्स, देखो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी, तो कल लास्ट क्लास में हमने बताया रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या है? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट? है कि नहीं? उस पर हमने क्या किए, एक वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दिए और एक जी भी मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी हमने एक वी और जी मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? यहाँ पर आपने देखे ना, तो दैट इज डब्ल्यू एक्चुअल. यस सर नो? दिस इज ऑफ थ्रस्ट. करेक्ट ना स्टूडेंट्स? यस सर नो? सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज इक्वल टू, ये जो ऊपर है दैट इज वेट ऑफ द बॉडी, है ना स्टूडेंट्स? है कि नहीं?
क्योंकि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के साथ वॉल्यूम मल्टीप्लाई करोगे तो मास आ जाएगा, मास के साथ अगर आप जी मल्टीप्लाई करोगे तो वेट आ जाएगा, तो दैट इज वेट ऑफ द बॉडी राइट। और नीचे में क्या है, दैट इज ऑफ थ्रस्ट, यस और नो, दैट इज ऑफ थ्रस्ट, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ठीक है। तो स्टूडेंट रिलेटिव डेंसिटी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, राइट, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर डिवाइडेड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, दैट इज ऑफ थ्रस्ट और नॉट, वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, अंडरस्टूड ऑल, ये बोला आपको समझ पे आ गया, अंडरस्टूड और नॉट स्टूडेंट्स? Yes. समझ लिए सबने? इस पे तो आपने वेट इन एयर दिया हुआ है, वेट इन वेटर दिया हुआ, तो आपने रिलेटिव डेंसिटी निकाल दी, राइट। बट अभी हमें क्या करना है कि अगर हमने दो अलग अलग लिक्विड लिए, राइट, मतलब इस तरह से आपको एक एग्जांपल दिया गया, जस्ट अनदर एग्जांपल टू आर्डन, तो आपको ये दिया गया कि लॉस ऑफ वेट ऑफ ए बॉडी इन वाटर इज है, मतलब हमने एक लिक्विड ले लिए और इस पे हमने वाटर लिए, राइट, और हमने यहाँ पर और एक लिक्विड लिए, इस पे कोई भी एक लिक्विड ले लिए, दिस इज लिक्विड ए जो कि वाटर लिए और दिस इज लिक्विड बी, राइट, है ना। तो लॉस इन वाटर मतलब यहां पर मान के चलो वाटर पे लॉस इन वेट जो है ए है, लॉस इन वेट मतलब ऑफ थ्रस्ट इज इक्वल टू लॉस इन वेट इन वाटर इज इक्वल टू ए, गुड स्टूडेंट, व्हाइल लॉस इन वाटर इज इक्वल टू हाउ मच, लॉस इन वाटर इन ए लिक्विड इज बी, करेक्ट है नॉट स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो चलो एक अलग अलग लिक्विड है तो इसीलिए डेंसिटी भी अलग अलग ले जाते हैं, तो यहाँ पर ऑफ थ्रस्ट ड्यू टू वाटर इज इक्वल टू हाउ मच ना, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम इनटू जी, दैट इज इक्वल टू ए, करेक्ट और नॉट? यहाँ पर डेंसिटी ऑफ थ्रस्ट इन ए लिक्विड, दैट इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू टोटल वी इनटू जी, लिख सकते हैं कि नहीं, दैट इज इक्वल टू बी ना, करेक्ट और नॉट स्टूडेंट्स? यस, अगर दोनों को डिवाइड कर देंगे, डेंसिटी इन लिक्विड बाय डेंसिटी इन सॉरी बाय डेंसिटी इन वाटर हमने डिवाइड कर दिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाएगा, राइट। सो दैट इज नथिंग, दैट इज इक्वल टू ऑल्सो द रेशियो इज हाउ मच, दैट इज ए बाय बी ना, अगर बी बाय ए है ना वो, है कि नहीं? सो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू लॉस इन वाटर, लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड, that is b divided by loss in weight in water, getting na students? Yes. So that is loss in weight means weight in air minus weight in the liquid, liquid pe kitna weight loss ho raha hai, matlab kiske comparison mein, weight in air minus weight in liquid, right? Fir loss in water matlab weight in air minus weight in water, understood or not this part? स्टूडेंट समझ लिए ना? अंडरस्टूड कैसे हमने रिलेट किया कि मैंने क्वेश्चन पे दिया एक बॉडी इतना वेट हो रहा है एयर पे, इतना वेट हो रहा है और एक लिक्विड पे, तो उसकी व्हाट इज द रेशियो यूएल बाय ऑफ थ्रस्ट की रेशियो क्या है, बी बाय ए का रेशियो क्या है, वेट इन एयर क्या है, वेट इन लिक्विड क्या है, निकाल सकते हैं कि नहीं? ठीक है, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिर हमने नेक्स्ट देखते हैं कि हमने कैसे इसको अप्लाई करके और दो चीज हम कर सकते हैं, आर्किमिडीज को अप्लाई करते जो क्वेश्चन आता है, वॉल्यूम ऑफ ए कैविटी भी निकाल सकते हैं और कोई भी बॉडी में जब इंप्यूरिटी, जब जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट थी आर्किमिडीज की, वो भी निकाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट की वेरिंग द वॉल्यूम ऑफ कैविटी इन ए बॉडी, राइट। नेक्स्ट और एक चीज भी एप्लीकेशन में है, द वॉल्यूम ऑफ कैविटी इन ए बॉडी, राइट, द वॉल्यूम ऑफ कैविटी इन ए बॉडी हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो थोड़ा यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स देखो, इफ वेट ऑफ ए बॉडी इन एयर एंड वेट इज वेट एंड वाटर इज मेजर्ड,
देन अप थ्रस्ट इज इक्वल टू क्या है, अप थ्रस्ट इज इक्वल टू लॉस इन वेट ना, करेक्ट और नॉट? दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द वाटर, अगर मैं वाटर की बात करूं, दैट इज रो इनटू वी, रो इनटू वी, राइट, रो इनटू वी इनटू जी, है कि नहीं, है ना स्टूडेंट्स? तो यहां से अगर मैं वॉल्यूम ऑफ द बॉडी निकालू तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, दैट इज वी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, राइट, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है, कोई कहीं से भी हमने एक्सपेरिमेंट करके वी निकाले, सो दैट इज इक्वल टू लॉस इन वेट, राइट, दैट इज लॉस इन वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी, कर सकते हैं कि नहीं? तो लॉस इन वाटर का क्या मतलब बनता है, दैट इज इक्वल टू वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, करेक्ट, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी, गेटिंग द थिंग ना स्टूडेंट्स? इसके जरिए हम वॉल्यूम ऑफ द बॉडी निकाल सकते हैं कि नहीं, अपथ्रस्ट से? ये हमने एक्सपेरिमेंट करने से हमने निकाला कि बॉडी को, मैंने एक वॉल्यूम, मैंने एक ऑब्जेक्ट को लिया स्टूडेंट जिसके अंदर में कुछ कैविटी है, बट जब वाटर डिस्प्लेस करेगा तो वो किसके, पूरा बॉडी का कवर करेगा ना, मतलब जितना वेट, मतलब वॉल्यूम जो होगा, इस तरह से हमने एक वॉल्यूम मिल जाएगा, राइट? और व्हाइल एक्चुअल वॉल्यूम, राइट, व्हाइल द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, राइट, व्हाइल द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल of body will be that is v naught is equal to how much, mass of body in air, correct, divided by density of material, hai na students, divided by density of material, getting students? So, ये एक वॉल्यूम आया, ये एक वॉल्यूम आया, तो आपको क्या लगता है, ये वॉल्यूम ज्यादा होगा, राइट, बट ये एक्चुअल वॉल्यूम है, कितना मास है, तो सो द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी, तो यहाँ से अपने कैसे निकालोगे, सो द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी, हम देखेंगे, क्वेश्चन सबको मिलेगा कहीं ना कहीं पे, फिर आप आके इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए फिर क्वेश्चन पे जाना, राइट, सो द वॉल्यूम ऑफ कैविटी इफ एनी will be, अगर सेम आया तो नो कैविटी, अगर आया तो वी माइनस वी नॉट जरूर अलग होगा, राइट, दैट इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट, समझ पे आया थोड़ा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स? अभिनव, पूरब, शुभम, ठीक है, नेक्स्ट, और एक चीज आता है जो एक्चुअल था एक्सपेरिमेंट, किनका, एक एग्जाम्पल के जरिए भी इसको समझ लेंगे, राइट, और एक था जो कि अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इन ए गिवन मेटल, राइट, गिवेरिंग अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इन ए गिवन मेटल, द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, राइट, द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इन ए गिवन मेटल, द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इन ए गिवन मेटल, है ना, चलो देखते हैं, मान के चलो एक सॉलिड बॉडी है हमारे पास, राइट, इफ ए सॉलिड बॉडी मास m है, इस पे इम्प्यूरिटी, मतलब इम्प्यूरिटी का मास जो है, ये टोटल मास इज m, और उसमें इम्प्यूरिटी का मास y है, मान के चलो इम्प्यूरिटी का मास कितना है स्टूडेंट्स, y अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी, राइट, और उसका डेंसिटी क्या है, रो है, किसका, इस जो इम्प्यूरिटी मिला हुआ है, राइट, यहाँ पर आप लिख दो, जो इम्प्यूरिटी मिला हुआ है, इस इम्प्यूरिटी का डेंसिटी क्या है, लेट रो आई है ना स्टूडेंट्स, गेटिंग माय पॉइंट, एंड दिस इज, लेट दिस रो एम इज द डेंसिटी ऑफ द प्योर मेटल, राइट, दैट इज डेंसिटी ऑफ द प्योर मेटल, है ना स्टूडेंट्स, सो द वॉल्यूम ऑफ द प्योर मेटल विल बी हाउ मच, the volume of the pure metal, the volume of the pure metal will be how much students, kya hoga pure metal ka total volume, to volume of the pure metal hum nikalenge, right, at last we'll find that one, but yahan par dekho agar main impurity ki volume nikalu to impurity ki volume matlab kya hai,
डेंसिटी इज इक्वल टू नो मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी ना, तो इंप्योरिटी का मास हमने क्या लिए है वाई लिए हैं और डेंसिटी ऑफ इंप्योरिटी रो आई लिए हैं. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट? स्टूडेंट्स गेटिंग ना? दिस इज वॉल्यूम ऑफ द इंप्योरिटी, करेक्ट? यस सर. अगर वॉल्यूम ऑफ द मेटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल मास एम है, एम इज द टोटल मास, राइट? तो इंप्योरिटी को छोड़ने के बाद बाकी के जो मास बचा दैट इज ओनली, दैट इज हाउ मच, एम माइनस वाई, करेक्ट? यस सर नो? दैट इज डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द प्योर मेटल. ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ पे आ गया कि नहीं? ये वॉल्यूम ऑफ द इंप्योरिटी, टोटल मास ऑफ द इंप्योरिटी बाय डेंसिटी ऑफ द इंप्योरिटी. वॉल्यूम ऑफ द प्योर मेटल, टोटल मास एम था, इंप्योरिटी का मास वाई है, तो एम माइनस वाई इज द टोटल मास बाय डेंसिटी ऑफ द प्योर मेटल, करेक्ट? सो अगर यही से मैं टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी निकालू, राइट? टोटल वॉल्यूम, राइट? टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी हाउ मच? वी इज इक्वल टू वी इंप्यूरिटी प्लस वी मेटल, करेक्ट? सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? वाई बाय डेंसिटी ऑफ द इंप्यूरिटी प्लस यहां पर क्या निकाले थे, एम माइनस वाई बाय रो एम निकाले थे ना, करेक्ट? Getting or not, students? ये हम इस मेथड से हमने टोटल वॉल्यूम निकाल दिया कैलकुलेट करके. बट स्टूडेंट बट अगर हमने एक्सपेरिमेंट किए, क्या एक्सपेरिमेंट किए कि डब्ल्यू ए इन वेट इन एयर, दैट इज वेट इन एयर, किसका? वो जो मेटल हमने लिए है, राइट? वेट इन एयर हमने निकाल दिए, फिर वेट इन वाटर भी हमने निकाल दिए, दैट इज वेट इन वाटर, है ना, करेक्ट? लेकिन yes, तो लॉस इन वेट निकाल जाएगा ना, ऑफ थ्रस्ट, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वी, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वी इनटू जी, निकल जाएगा कि नहीं? सो दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू इन एयर माइनस डब्ल्यू इन वाटर ना, डब्ल्यू 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 ए, राइट? है कि नहीं? सो फाइनली वॉल्यूम ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी अगर यहीं से निकालेंगे, इस एक्सपेरिमेंट से हम वॉल्यूम ऑफ द बॉडी निकाल सकते हैं ना, दैट इज वी इज इक्वल टू क्या करेंगे ना सर, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू जी डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू जी, कर देंगे तो भी आ जाएगा ना? यस सर नो? गेटिंग ना स्टूडेंट? यस. तो यहां से हमने वॉल्यूम मिल गया और यहां से टोटल वॉल्यूम से एक एक्सप्रेशन भी आया है, तो दोनों को कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं ना कि इंप्यूरिटी कितना है. गेटिंग और नॉट? चलो एक एग्जांपल देते हैं इसको समझने के लिए, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं तुरंत ताकि आपको समझ पे आ जाएगा, राइट? स्टूडेंट्स देखो, एक अर्नामेंट था मेरे पास, लेट दैट इज अ अर्नामेंट, राइट? एक अर्नामेंट था व्हिच वेज 50 ग्राम इन एयर, तो उसका वेट जो है, इट वेज, इट्स वेट इन एयर इज इक्वल टू हाउ मच स्टूडेंट? 50 g, राइट? गेटिंग और नॉट? यस सर. और वेट इन वाटर, हमने उसको वाटर पे कर रहा है, तो कितना आया? 46 ग्राम आया, राइट? तो मान के चलो ये मतलब इस पे, इस अर्नामेंट पे जो गोल्ड मिलाने वाले थे हम, राइट, लेट उसमें कुछ कॉपर मिला हुआ है. क्या मिला हुआ है स्टूडेंट्स? कुछ इंप्यूरिटी में कॉपर मिलाया गया है, राइट? यस सर नो? ठीक है स्टूडेंट्स. और यहां पर दिया हुआ है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 10 and relative density of gold is equal to how much students diya hua hai? 20 diya hua hai. Understanding na students? Understanding or not? Pura ornament ka mass kitna hai students? 50 gram, right? Uspe hame kitna impurity mila gaya? I don't know. Let M mass ka impurity mila gaya hai uspe. Kitna impurity mila gaya students? M gram ka, right? Hai nahi students? Getting na? Students, टोटल मास कितना है? 50 ग्राम है ना? तो चलो देखते हैं कैसे हम निकालेंगे कि कितना इंप्योरिटी उसमें है, मतलब कितना इंप्योरिटी उसमें है आउट ऑफ 50 ग्राम. क्वेश्चन समझ पे आया सबको? स्टूडेंट लेट एम बी द मास ऑफ, राइट, एम बी द मास ऑफ कॉपर, है ना? देन मास ऑफ गोल्ड कितना होगा स्टूडेंट्स? टोटल कितना है? 50 है ना, तो मास ऑफ गोल्ड कितना हो जाएगा? 50 माइनस एम हो जाएगा. ये सर लो?
लिसनिंग और नॉट ऑल स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, हम ग्राम में ले रहे हैं तो रिलेटिव डेंसिटी दे रहे हैं, तो डेंसिटी ऑफ कॉपर भी हम सीजीएस पे 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं, राइट और नॉट? यहाँ पर डेंसिटी ऑफ गोल्ड भी कितना ले सकते हैं? 20 ग्राम पर सीसी ले सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग ना? तो हमने m by 10 लिख दिए वॉल्यूम ऑफ द कॉपर, देन वॉल्यूम ऑफ द कॉपर, देन वॉल्यूम ऑफ गोल्ड भी निकाल सकते हैं, राइट? यू कैन ऑल्सो फाइंड वॉल्यूम ऑफ गोल्ड, राइट? वॉल्यूम ऑफ गोल्ड इज इक्वल हाउ मच? 50 माइनस m बाय 20, करेक्ट? और इसको हमने वाटर पे डुबाए तो डिक्रीज इन वेट क्या हो गया? वो इमर्ज इन वाटर, राइट? इमर्ज्ड इन वाटर, राइट? तो डिक्रीज इन वेट क्या हो गया स्टूडेंट्स, राइट? डिक्रीज इन वेट इज इक्वल टू ऑफ थ्रस्ट और नॉट? अंडरस्टैंडिंग ना स्टूडेंट्स? सो डिक्रीज इन वेट माइनस 50 माइनस 46, क्योंकि ये क्वेश्चन पे दिया हुआ है, यहाँ पर 50 एयर पे, वाटर पे 46, तो 50 माइनस 46 इंटू जी वेट हो गया, दैट इज टोटल वेट कितना है? वॉल्यूम ऑफ कॉपर प्लस वॉल्यूम ऑफ गोल्ड कितना लिए हैं? Into density of water into g of thrust का formula, right? Yes or no? So that is 4. G g cancel कर दिया हमने. तो 4 is equal to how much? Volume of the copper कितना है? M by 10. Volume of gold कितना है? 50 minus m by 20. और water का density तो हम 1 लिए हैं, CGS पे निकाल रहे, right? तो यहीं पे जब solve करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, 20, 40, 80 is equal to how much? 2m plus 50 minus m. तो m कितना आ गया? m is equal to 30 gram. Understood students? तो कितना impurity है यहाँ पर? How much impurity is there in this? 30 gram. Understood all?